मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ऐसे अधिकारी को धर दबोचा है जो ठाणे महानगर पालिका के हद में काम कर रहा था। हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने जिस अधिकारी को 6,500 रुपये लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है उसका नाम अशोक मोतीराम वाघमारे है। ये अधिकारी मुंब्रा के पानी खाता के ठीक पीछे कार्यालय जो कि कर वसूली विभाग कहें या फिर टैक्स विभाग कहें जिसमें कार्यरत था और पैसे लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ने इसे गिरफ्तार किया। एक और जानकारी निकलकर सामने आई है, ये वो जानकारी है कि अधिकारी कई सालों से टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था मगर कोई निजी टीएमसी के तरफ से नहीं था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्राइवेट तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये वही तस्वीरें हैं अशोक वाघमारे की जिसकी उम्र लगभग 49 साल है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वाघमारे पर आरोप है कि टैक्स नाम पे करने को लेकर वाघमारे ने 6,500 रुपयों की डिमांड की थी जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 11 फरवरी 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया था और 12 फरवरी 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसे लेते हुए रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया। हम आपको एक बार फिर वाघमारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये वही वाघमारे है जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है क्योंकि इसने 6,500 रुपये की रिश्वत ली थी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।